स्टूडियो बिग बॉस मराठी के घर में रोज आए न दिन कुछ न कुछ हंगामा होते ही रहता है। तो आज जो हुआ वो ऐसा लग रहा था कि झोपड़पट्टी वाली लड़ाइयां चल रही थी, तो उस बात पे हम आएंगे। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मेघा, जिस तरह से मेघा सही ये लोग सब बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि स्मिता काफी अच्छे से अपने ड्रेस को कैरी करती है, काफी अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनती है और काफी उसको अच्छे से संभाल के भी वो रखती है। वहीं पे सेम टाइम पे आस्ताद और स्मिता जो बातें कर रहे थे वो ये था कि सई बहुत निगेटिव दिखती है, सई के फेस पे बहुत सारे पिंपल्स है, पूरे फेस पे पिंपल पिंपल भरे हुए हैं। तो भाई आस्ताद ऐसा लग रहा है कि वो मोहल्ले की आंटियां जो बैठ के नहीं वो इधर की बुराई उधर की बुराई या जो एकदम करती हैं, बिल्कुल आस्ताद का ना वही काम रह गया और वो कुछ भी काम नहीं करता है। ठीक है पिंपल्स है, मेरे भी फेस पे पिंपल है, इसमें क्या फर्क पड़ता है, सबको होते हैं, आपको भी होंगे, बहुत लोगों को होंगे। इससे उसके जो वो टास्क करती है या जो वो उस घर में कर रही है उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। तो ये सारा डिस्कशन चल रहा था। अब टास्क आया, टास्क में हुआ क्या, टास्क में सबको पिलो टास्क करना था, सब बहुत सबसे पहले तो वो टास्क में पूरा नहीं दिखाया गया। लाइक पुष्कर, शर्मिष्ठा, मेघा, इन लोगों का दिखाया नहीं गया हमें। बाकी लोगों का थोड़ा बहुत दिखाया गया, आस्ताद उसमें था, डिक्टेटर, जो कि मैंने आपको बता दिया था कि आस्ताद की ब्लैक पट्टी होगा, वो स्टॉप बोलेगा, ये सब ऑलरेडी मैंने आप लोगों को हाइलाइट्स में बता दिए थे। उसमें स्मिता जीती क्योंकि स्मिता ने एक्चुअली काफी अच्छा डांस किया था, नो डाउट उसने काफी अच्छा डांस भी किया, काफी अच्छे से परफॉर्म भी किया, सबको सबके साथ इन्वॉल्व भी हुई वो, तो वो काफी अच्छा दिखा था। अब एक और चीज हुई, वो था कि पुष्कर और शर्मिष्ठा कहीं ना कहीं मेघा से गुस्सा थे। और गुस्सा क्यों, क्योंकि मेघा किचन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाती है। यस एग्री, वो बहुत ज्यादा कभी कभी कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट करती है, यानी कि किचन के कामों में वो बहुत इंटरफेयर करती है मेघा। उसे लगता है कि मैं अच्छे से कर पाऊंगी, मैं अच्छे से कर पाऊंगी, लेकिन वो चीजें लोगों को गलत दिखती है। और पुष्कर ने जो एक लाइन बोली वो मुझे गलत लगा कि मेघा लाइमलाइट में आने के लिए यानी कैमरे में दिखने के लिए, आओ भी यही बात बोल रही थी कि वो ये सारी चीजें करती है, तो वो कैमरे के लिए ये सारी चीजें नहीं करती है, बट हाँ उसका किचन में इंटरफेयर बहुत ज्यादा होता है, ये हर किसी को लगता है। खत्म हुआ, दूसरे दिन की शुरुआत हुई और दूसरे दिन की शुरुआत ही टास्क से हुई। तो टास्क जैसे ही हुआ उसके बाद आपको क्या लगा कि क्या हो सकता था टास्क में, क्या मतलब एक्चुअली इतना हंगामा जो हुआ आज। तो फाइनली रेशम कैप्टन बनी, लेकिन रेशम कैप्टन कैसे बनी, धोखाधड़ी, धक्का धुक्की, क्योंकि उसे पता था कि वो मतलब अगर सही से गेम खेलेगी तो वो कभी कैप्टन नहीं बन सकती है। और आज तो मुझे लगा कि हाय ये क्या कर रही है, व्हाट इज दिस। तो कैप्टन के नाम की बात आते हैं, तीन नाम देने थे जिसमें से सबने किशोर का नाम दिया कि किशोर ने बहुत अच्छी डॉक्टर से जिप की है, बहुत अच्छा किया है। उसके बाद आते हैं रेशम ने अपना नाम दिया, मैंने बम फोड़ा, मैंने पुतला फेंका, सबने एग्री कर लिया, चलो ठीक है रेशम का नाम देते हैं। अब मेघा ने अपना नाम दिया, सब भड़क गए, सबके सब भड़क गए कि हाँ मेघा ऐसी, मेघा मेघा ने क्या किया, मेघा ने चीटिंग की, मेघा ने ये किया, मेघा ने सजा मिली थी, ये सारी चीजें मिली। और सही के नाम पे सब एग्री हो गए। तो टास्क स्टार्ट हुआ, टास्क में था कि साथ में चलना था उसके। तो सबसे पहले तो मैं सही ने गलती की, सही ने गलती ये की कि वो सबसे लास्ट में गई, तो उसको वो सबसे पहले आए, अगर वो बीच में रहती तो वो काफी सपोर्ट उसको मिल सकता था, जो कि सही ने गलती की। दूसरी चीज क्या हुई कि रेशम और किशोर एक साथ मिल गए और दोनों लेफ्ट राइट ऐसे ऐसे चल रहे थे, मेघा बीच बीच में बोल रही थी, सब काफी ज्यादा गुस्सा हुआ, काफी ज्यादा बोले कि हाँ मेगा तुम मत बोलो, मेगा तुम मत बोलो, जबकि मेगा नॉर्मली बोल रही थी। सब कोई बाहर चला गया, सई और रेशम में फाइट होना स्टार्ट हो गया। रेशम को मैडम को बाहर जाना था क्योंकि उनको स्मोक करनी थी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था वो स्मोक नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए वो चिड़चिड़ 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 वो हर किसी पे चिड़चिड़ कर रही थी, मतलब कोई एक लाइन बोले और वो चिड़चिड़ चिड़चिड़ चिड़चिड़। तो पहले उसने मेघा पे गुस्सा किया, फिर उसने पुष्कर पे गुस्सा किया, तो वो ऐसा लग रहा था कि भाई किसी तरह जल्दी खत्म हो टास्क और मैं बाहर जाऊं, उसका ऐसा ऐसा फीलिंग आ रहा था। तो वो ये सब की, फिर सई पे लड़ाई की, क्यों, क्योंकि उसको बाहर जाना था और सई एग्री नहीं हो रही थी, क्योंकि वो फिर वो स्किट ऐसे जाता तो वो गिर जाती या फिर वो टूट जाता, तो वो एग्री नहीं हो रही थी। इसी बीच में उसने सई को बहुत जोर से धक्का दिया,
क्योंकि वो ट्राई कर रही थी कि सही कहीं से गिर जाए, और उसने उसे धक्का दिया ना, मैं मतलब ऐसे देख रही थी शो और मुझे लगा शिट ये क्या कर रही है। तो वो एक्चुअली स्टार्ट की पहले गलत करना, उसके बावजूद सही गलत नहीं कर रही थी, सही कहीं से भी कुछ भी गलत धोखा धोखी ये सब कुछ भी नहीं कर रही थी। अब किशोर भाई साहब को थोड़ा वॉशरूम वॉशरूम जाना था, तो वो बोले मैं क्विट करता हूँ, मुझे मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, मुझे वॉशरूम जाना है, ये सारी चीजें उसने बोली। उसके बाद जब वो गया, एक तो आज आस्ताद पता नहीं ऐसा लग रहा था कि जैसे संचालक ही या ब्लाइंड मैन ऐसे खड़ा होकर देख रहा हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कोई कुछ बोले मैं हूं ना यहाँ पे, संचालक है ना यहाँ पे, तुम क्यों बोल रहे हो। तो ये जो उसका चल रहा था आस्ताद, तो उसका पूरा दिख रहा था कि भाई उसे तो रेशम को ही बनाना है चाहे कुछ भी बोलो। फिर बीच में मेघा आई, मेघा नॉर्मली समझा रही थी कि तुम लोग प्लीज ठीक से चलो, तुम लोग गिर जाओगे से चोट लगेगा, और वो दोनों को ही बोल रही थी। बट रेशम फिर उसके ऊपर चिल्ला दी, फिर उसके ऊपर पूरा भड़ास उसके निकाल दी, और फिर से बोलती अच्छा है ना टाइम पास हो रहा है, हमारा मजा आ रहा है। बट फाइनली सई को फिर से उसने धक्का दिया, फिर से वो जूते का वो उसने किया, और सई जोर से गिरी और उसके बैक पेन में फिर से पेन स्टार्ट हो गया, और सई ने क्विट कर दिया। तो फाइनली कैप्टन बन गई रेशम, और गलती से कैप्टन बनी है, चीटिंग करके कैप्टन बनी है, धोखाधड़ी करके कैप्टन बनी है। अगर अब भी किसी को लगता है कि रेशम आज के एपिसोड में बहुत अच्छा की है, तो गाइज मैं उसको नहीं समझा सकती हूँ। एंड सेकेंड चीज कि आपको क्या लगता है आज के एपिसोड में रेशम मेघा सई आस्ताद, आस्ताद तो एनी हाउ ऐसा लग रहा था कि वो संचालक ही नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो दिख नहीं रहा है वहां पे, तो आप क्या लगता है कि आपको बताइए कि रेशम क्या उसने सही गेम खेला या फिर उसने चीटिंग की थी या फिर उसने गलत खेला। तो आप हमें बताइए, जो भी उसने किया बहुत बहुत ज्यादा गलत किया है। लेट्स सी, आई विश कि मेघा रहती और मेघा तब बजाती, क्योंकि सही कहीं ना कहीं वो नहीं बोल पाती उतना जो उसको बोलना चाहिए। चलो मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ, और आप जल्दी से बताओ कि किसको किसको अच्छा लगा, किसको किसको क्या लगा, खराब लगा। तो खुल जा सुनतेम Yes. If he didn't say anything to Resham, then he that's pretty. Yogita, सबको मेगा से प्रॉब्लम है, एक्चुअली मेगा कैप्टन से डिजर्व करती थी, बट आई डोंट वरी मेगा, यू आर द विनर। यस, मेगा को ऐसा लग रहा है ना कि सब मतलब कुछ भी हो जाए मेगा कैप्टन नहीं बननी चाहिए, दैट्स इट। पंकज, चीटर रेशम। दीप्ति, अनफेयर रिव्यू। अगर आपको आज भी लग रहा है कि रेशम सही है, तो गाइज मैं आप लोगों को नहीं समझा सकती हूँ, क्योंकि क्लियरली शो में आज दिखा है और हर जगह सिर्फ यही चीज है कि रेशम ने क्या किया, क्योंकि वो सिंपल से खेल नहीं सकती थी ना, वो अगर सही से खेलती तो वो कभी कैप्टन नहीं बनती। तो गाइज इतना तो हंगामा उसे करना ही था। आस्ताद एक नंबर का कुत्ता है, मेगा फालतू है, फिर कैमरा सही करते। जितेश, वो कैमरे के लिए सब नहीं करती है, वो सही को प्रोटेक्ट करना चाह रही थी, रेशम को प्रोटेक्ट करना चाह रही थी, पर सब ने उसको गलत समझ लिया। मांझेकर, तो रेशम का लिटरली यही बोलना पड़ेगा। रोहित पाटिल, मुझे नहीं लगता है कि महेश जी अभी भी बोलेंगे रेशम तुमने बहुत अच्छा खेला, कैप्टनसी टास्क तुमने बहुत अच्छा किया, डिक्टेटरशिप तुमने टास्क बहुत अच्छा किया। रेशम फालतू। मेघा ने स्मिता के बारे में सही बोली, प्लास्टिक डॉल। यस नीलेश, ये चीज मुझे भी समझ नहीं आया। एक नॉर्मली आहू ने क्वेश्चन पूछा था मेघा से कि तुमने अपने बालों पे कलर कराने के कितने खर्चे किए, तो उसने बताया। स्मिता कहती हाँ इतने पैसे किसी गरीब को दान देते तो ये देते। तो स्मिता ने जो कराया है, मुझे वैसा बोलना नहीं चाहिए तो मैं नहीं बोलूंगी, बट जो भी उसने कराया अपने फेस पे लेके हर चीज के लेके, वो क्या उसमें पैसे खर्च नहीं हुए हैं? तो अगर आप किसी और को बोल रहे हो तो आपके ऊपर भी उंगलियां उठती हैं, तो ये चीजें देख के ही करें। आफरीन से, आप तो हमें भूल ही गई आफरीन। नहीं, मैं किसी को नहीं भूली हूँ। जतिन, रेशम को तो कैप्टन बनना ही था, बिग बॉस ऐसा क्वेश्चन शुरू से रेशम फाइनल लग जाए। यस रेशम तो अब भाई अब तो ऐसा लग ही रहा है कि वो कहीं ना कहीं से ये सारी चीजें होने वाली है। नवनीत, रेशम एंड आस्ताद चीटर चीप है, झूठे एक नंबर के। उनको और वो लोग जैसे गले मिल रहे थे, हाय क्या हो गया, ऐसा लग रहा है कि विनर की ट्रॉफी आ गई हाथ में। आस्ताद स्मिता सब ज्यादा कर रेशम से जो प्यार से गले मिल रहे थे, जैसे मुझे लगा क्या चल क्या रहा है ये, मतलब इतना प्यार, विनर की ट्रॉफी तो नहीं आ गई उनके हाथ में। पुल्लू, सही लुक्स लुक लाइक माई सिस। महेश जी अभी रेशम की तारीफ ही करेंगे। जतिन बजाज, एग्जैक्टली महेश जी यही करेंगे अब। ओके
रूपचंद्र, रेशम पहले से चीटर रही है, सई के साथ चीटिंग करके कैप्टन बनी है। छी, ये तो सबको लग रहा है मेघा को ही कैप्टन से मिलने चाहिए थी। व्हाट डिड शर्मिष्ठा सेड अबाउट मेघा? शर्मिष्ठा ने बोला कि मेघा किचन में बहुत इंटरफेयर करती है, जो कि सही है। मेघा बहुत ज्यादा कभी कभी इंटरफेयर एक्चुअली करती है किचन में। मैं तो पहले स्मिता को प्लास्टिक बोलता हूँ प्रभु। यस, मैंने आपके बहुत सारे कमेंट देखे हैं वैसे वाले। ये क्यों बोलती रहती है आएगी ट्रॉफी भी स्नेहल? ओके, तो एंजॉय गाइस। जिसको भी लगता है कि ऐसा होने वाला है तो इट्स गुड। रेशम ने 2 बार धक्का दिया। नैना, यस, रेशम ने 2 बार, 2 बार नहीं 3 बार धक्का दिया है, बट एक बार वो ऑलरेडी नीचे झुकी हुई थी तो इसलिए नहीं लगा। बिग बॉस जैसे अडल्ट आदत हुई वैसे ही तुम्हारी भी आदत हुई है। आफरीन से, थैंक यू सो मच आफरीन। अमोल पेड रिव्यू, थैंक यू सो मच। राहुल, रेशम अभी गेम खेली है, इसको गेम खेलना नहीं, इसको चीटिंग करना कहते हैं। राहुल, बीवी ही गलत है यार, इतने जोर से धक्का मारा फिर भी बीवी कुछ नहीं किया यार, बहुत बुरा लगा। रेशम, इतना एटीट्यूड कितना गंदा लगता है। उससे था कि किसी तरह टास्क खत्म हो जाए और मैं बाहर जाऊं, मैं स्मोक करूं, दैट्स इट। उसको और कुछ नहीं चाहिए था उस टाइम पे। आसाद अपने आप को बहुत ज्यादा साना समझता है, उसे तो बनाना था रेशम को कैप्टन, तो वो तो ब्लाइंडली फॉलो करेगा ही ना, वो और क्या कर सकता है उससे ज्यादा। दीप्ति, नाइस चैनल, एकलव्य स्टूडियो, थैंक यू सो मच। मेघा मस्ट बी इरिटेटिंग। ओके, रेशम बैक स्टेप सही। आरती, मेघा एंड सही ऑलवेज चीट। तो आज आज रेशम ने क्या किया? रेशम ने तो एकदम कुछ नहीं किया, रेशम ने बहुत आराम से थी। स्नेहल, तो मेघा ने किया तो चीटिंग नहीं, मेघा ने आज क्या किया है भाई? आज ये बताओ, मेघा तो आज टास्क में भी नहीं थी फिर भी आप लोग मेघा को खींच रहे हो। ओके, टीवी स्क्रीन चैनल सर आपको कितने पैसे मिले नेगेटिव कमेंट करने को? डोंट मिस इट, डोंट लाइक प्लीज इवन ड्रॉप। ओके, कितने झूठे हैं आस्ताद एंड रेशम। मेघा इज बेस्ट। आज क्या होगा आरती? आज कुछ नहीं, आज रेशम कैप्टन बन गई है जीत चीटिंग करके। पुनेरी, रेशम धक्का दे रही तो सही ने क्यों बवाल नहीं किया? कंप्लेन करना चाहिए था पुनेरी। मुझे तो लगता है ना कि गाइस इन लोगों को एक्चुअली थोड़ा बहुत समझ नहीं, इन लोगों को लगता है कि चलो ये टास्क था, टास्क के दौरान किया तो ये फेयर है। इनको ये एक्चुअली पता नहीं है कि बिग बॉस के घर में क्या क्या चीजें होती हैं, कि गलत। जब एक बार इनको ऑलरेडी पता है कि आप धक्का नहीं दे सकते हो, आप किसी को मार नहीं सकते हो, उसके बावजूद आप धक्का दे रहे हो और फिर भी इन लोग कहते हैं कि टास्क कर रही थी, इट्स ओके, ये तो टास्क था। रेशम अनफेयर टास्क खेला। नालिनी, आस्था डेविल है लाइक नंद किशोर। यस, श्रावणी, सेकेंड सीजन नहीं आएगा बीबीएम का, आई एम मोस्ट श्योर नाउ। किसी को समझ नहीं आता कैसे खेलना, नो बट इज दैट ग्रेट दैट वी कैन प्रेस इन दिस सीजन। एक्चुअली सबने सब गलत करते हैं और रेशम तो भाई आज उसने किया है। अदिति, मेघा विल बी द विनर। यस मैम, डोंट बदर अबाउट निगेटिव कमेंटर्स। लक्ष्मी, यस थैंक यू लक्ष्मी पहले तो, बट यस मुझे फर्क नहीं पड़ता जिसको जो बोलना है, क्योंकि आई नो जो सही है मैं उसी का साथ दूंगी, जो गलत है मैं उसको साथ कभी नहीं दूंगी। लाइक मैंने क्लियरली बोला कि मेगा किचन में इंटरफेयर करती है, मेगा करती है तो करती है, रेशम ने चीटिंग की तो की, सिंपल सी बात है। मेगा इज बेस्ट एज वेल एज श्रुति। आप मेरे कमेंट्स क्यों नहीं पढ़ती पीयूष? प्लीज, आपके कमेंट नहीं दिखते आपके, प्लीज आप जब ऐसे कमेंट करते हो ना तभी मुझे वो कमेंट दिखते हैं। चीटर रेशम, ओके, पोस्ट वोस्ट नितिन 2966 को ब्लॉक करो। अरुणा, रेशम फालतू से गेट आउट। मैम, योर चैनल इज बेस्ट फॉरवर्ड, ऑल द बेस्ट। दिव्यति, थैंक यू सो मच दिव्यति। मेघा के ग्रुप ने उसका सपोर्ट क्यों नहीं किया? विशाल, क्योंकि वो कभी नहीं करते हैं, ये आज की बात नहीं है, कभी की बात, हमेशा की बात है। जब भी मेघा की बात आती है ना कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, चाहे वो दूसरे टीम से हो चाहे वो उसकी टीम से हो। मेरे कमेंट्स क्यों नहीं आ रहे पीयूष? मुझे सिर्फ आपके ऐसे ही वाले कमेंट मिलते हैं, मैं क्या करूं? सही डम्ब है बट 100 बीमारी है तो क्या पार्टिसिपेट किया दूसरे को भेजती? महेश, ऐसा नहीं है, जब उसने रेशम ने धक्का दिया उसको तो उसको लगा और कुछ नहीं है। जितेश हिला, अगर रेशम चीटर आए स्वाति, मेगा को चीटर बोलने से पहले रेशम की चीटिंग दिखाई नहीं देती है। सही, बिगेस्ट मिस्टेक दैट सी डिडंट स्टैंड इन द मिडिल। सही ने पहले ही लेट किया रेशमा की, वो नहीं मैं चेंज नहीं करूंगी, जबकि वो लोग बार बार समझा रहे थे कि भाई तुम चेंज कर लो।
ओके ब्यूटीफुल एवरीवन इनसिक्योर ऑफ मेघा। यस मैम, महेश मांजेकर को टैग करके बोलो ना कि वो रेशम की तरफदारी ना करे। प्रफुल, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे ट्वीट ऐसे किए हैं, तो आई डोंट नो, मैंने कभी कभी ऐसे ऐसे ट्वीट भी किए हैं कि मुझे ब्लॉक ना कर दे। तो यस, मैंने बहुत कुछ बोला है क्योंकि वो ऑलरेडी गलत का साथ दे रहे हैं, गलत चीजें बोल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मेघा ग्रुप डू नॉट सपोर्ट हर। एवरी टाइम दे मेक शट अप हर माउथ व्हेन शी फाइट फॉर देम। रेशमा, यस एक्चुअली मेघा जो है सास में कर रही थी ना, वो कहीं ना कहीं सई को भी प्रोटेक्ट कर रही थी, बट सई को भी चीजें समझ नहीं आ रही थी। सई को भी लग रहा था कि भाई नहीं मेघा तुम चुप रहो। मुझे लगा कि क्यों मेघा बोल क्यों रही है, मेघा को एक्चुअली सबके साइड से हट जाना चाहिए। और तब इनको गेम खेलने दो अकेले, सई को, पुष्कर हो, सबको सबको साइड कर दो भाई। चलो नाउ सीरियसली आई एम गेटिंग बोर्ड ऑफ बीबी मराठिया। स्टार्स एंड रेशम एवरी टाइम डोमिनेट्स एवरीबॉडी एंड अदर बीइंग इन मेजोरिटी आल्सो कैन फाइट बैक। ये लोग दो लोग भी रह के ना, इनके ग्रुप में पूरी यूनिटी है, बट इधर कोई भी नहीं। इधर अपने ही ग्रुप में ना ये लोग इधर से उधर करते रहते हैं। आई थिंक बीबी ऑल्सो वॉन्टेड रेशम टू विन द टास्क, दैट्स वाई मेड आस्था संचालक। रेशमा, बट अगर पुष्कर को भी संचालक बनाया जाता रेशमा, तो पुष्कर भी सिर्फ यही करता, पुष्कर भी कुछ करने वाला नहीं था, वो भी यही फालतूगिरी ही करता बस। आई कैन नॉट इमेजिन बिग बॉस विदाउट मेगा। ऑल अदर कंटेस्टेंट आर सो बोरिंग, कुछ एंटरटेन नहीं करते हैं, पायलेस। अगर आज मेगा कैप्टनसी टास्क में होती तो लिटरली वो बैंड बजाती। यस आपका ट्वीट आज फनी है, मोहल्ले वाले जैसे जाते। मुझे एक्चुअली मुझे आज किसी ने बोला है ये बात, इसलिए मैंने ये चीज लिखा था। मेघा को स्मिता पर कमेंट आज का बेस्ट सीन था। यस मुझे भी